कहानी की शुरुआत एक लाना नाम की स्कूल टीचर से होती है, जो कि वह शादीशुदा औरत होती है और उसकी एक बेटी भी होती है और उसका नाम रासा होता है। लाना जहाँ पर पढ़ाती है वहाँ पर एक बेनी नाम का हैंडसम लड़का भी पढ़ता है। लाना जब पढ़ाती है तब वह बेनी उसके सामने ही देखता रहता है, मानो वो जैसे लाना को प्यार करने लगा हो, और वह लाना भी उसके सामने आकर्षित हो जाती है। लाना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और अब एक दिन वह लाना सभी स्टूडेंट को पेपर दे रही होती है और वह सभी को पेपर लिखने के लिए कहती है। तभी वह देखती है कि वह बेनी पेपर के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा है और वह उसको ही देखता रहता है। और यहाँ पर वह लाना उसको इग्नोर करती है और वह अपना काम करने लगती है। क्लास के बाद वह लाना अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल के बाहर जाती है। लासा उसे हक करके बताती है कि आज स्कूल बहुत ही बोरिंग था। और अब जैसे ही वह रास्ता को गाड़ी के अंदर बिठाती है तो उसकी नज़र बेनी के ऊपर पड़ती है, जो कि वह अपने कुत्ते को घुमा रहा था। और वह उसे थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ से वह चली जाती है। और अब एक दिन वह क्लास के अंदर वह लाना प्रेजेंटेशन दे रही होती है, तब भी लाना की नज़र दो लड़कियों के ऊपर पड़ती है, जो कि वह दोनों मोबाइल के अंदर देख कर वह हंस रही होती है। लाना उसे फ़ोन अंदर रखने के लिए कहती है लेकिन वह नहीं मानती, इसलिए वह उसे फ़ोन छीन लेती है और वह उसे कहती है कि वह क्लास के बाहर उसे फ़ोन लौटा देगी। और यहाँ पर वह डैनियल नाम की लड़की होती है, वह उसे फ़ोन देते हुए उसे चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर वह बाकी के क्लास के जो लड़के होते हैं वह हंसने लगते हैं। और अब ब्रेक के टाइम वह लाना चाय पी रही होती है, तभी उसका ध्यान बेनी के ऊपर पड़ता है, जो कि वह डैनियल को परेशान कर रहा होता है। और वह डैनियल के बैग का जितना भी सारा सामान होता है वह बाहर फेंक देता है और वह उसकी साइकिल को भी उठा के फेंक देता है। और अब अगले दिन क्लास के बाद वह लाना बेनी से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, और वह उसे खाली क्लास रूम के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वह उसे बैठने के लिए कहती है और वह उससे हालचाल जानना चाहती है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। लेकिन बेनी उसे कुछ भी ठीक से जवाब नहीं देता। लेकिन लाना कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हें क्लास की लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और अब इसके बाद वह बेनी के घुटन के ऊपर हाथ रख कर वह उससे कहती है कि अगर कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बोल देना। बेनी उसके हाथ को देख कर वह उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है, लेकिन यहाँ पर वह लाना हाथ को हटा देती है। लाना कहती है कि मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता है, क्योंकि तुम पिछले टेस्ट के अंदर फेल हो गए थे। लाना को कोई भी बहाना नहीं दिखता, इसलिए वो मीटिंग के बहाने वहाँ से चली जाती है। और अब सीन कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह लाना देखती है कि वहाँ पर नीचे बेनी का बैग पड़ा हुआ है और वह बैग भी खुला हुआ होता है। उसके बाद वह उसके बैग के अंदर से एक जर्सी होती है वह निकालती है और वह उसे सूंघने लगती है। और अब दरवाजे के आवाज़ को सुनकर वह वॉशरूम के अंदर चली जाती है और वह पानी पीने लगती है। लेकिन अचानक से वह पीछे देखती है तो वहाँ पर बेनी खड़ा होता है, जो कि वह नर्वस हो जाती है। और वह बेनी उसके छाती के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन यहाँ पर वह लाना हटा देती है। लेकिन वह दोबारा वहाँ पर ही हाथ रखता है और वह गर्दन के ऊपर उसको किस करता है और वह भी उसके बाहों में खो जाती है। लेकिन तुरंत वह होश में आके उससे वह पीछे हो जाती है। लाना कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम आग से खेल रहे हो, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें स्कूल से भी निकाल सकती हूँ। और वहाँ से वह लाना जा रही होती है, तभी वह कहता है कि तुम भी ये करना चाहते हो। लेकिन वह लाना कहती है कि मैं किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। और अब अगले दिन स्कूल के हॉल के अंदर वह बेनी लाना से कहता है कि मैं तुम्हें अकेले मिलना चाहता हूँ, लेकिन लाना उससे मिलने से इनकार कर देती है। और अब वह दोनों सीढ़ियों के पास चले जाते हैं, जहाँ पर लाना कहती है कि जो भी हुआ उससे मैं शर्मिंदा हूँ। वो कहती है कि वो उसका ख्याल दिल से निकाल दे। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वह पार्किंग में जाकर देखती है, जहाँ पर उसके कार का साइड मिरर होता है वह टूट चुका था और कार के ऊपर स्क्रैच लगे हुए थे। और अब कार में बैठकर वह लासा को लेने के लिए उसके स्कूल की तरफ जाती है, जहाँ पर वह बोर हो रही थी। और अब सीन कट होता है और वह लाना को हम देखते हैं, जो कि वह अपने घर के गार्डन के अंदर बैठी थी, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे कहता है कि कार के अंदर स्क्रैच कैसे लगा। लाना कहती है कि वो एक खंभे से टकरा गई थी। और अब अगली सुबह वह लाना स्कूल के अंदर वह सभी स्टूडेंट को लेटर लिखने के लिए देती है, तब भी वह कहती है
कि अगर कोई सवाल पूछता हो तो तुम मुझे कह देना। तभी वह बेनी उसे कहता है, बेनी कहता है कि क्या तुम स्कूल से जॉब छोड़ना चाहती हो, क्योंकि वह प्रिंसिपल के पास उसे जाते हुए देखा था। इस बात के ऊपर वह सभी हंसने लगते हैं और यहाँ पर वह लाना उससे कहती है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट प्रिंसिपल से करूँगी। और वह बेनी कहता है कि इसे प्रिंसिपल के तलवे चाटना बहुत ही पसंद है। इस बात के ऊपर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह बेनी का जो बैग होता है वह लाना फेंक देती है और वह कहती है कि या तो फिर तुम चले जाओ क्लास के बाहर या तो फिर मैं चली जाऊँगी। थोड़ी देर के बाद वह लाना वहाँ से बाहर चली जाती है और वह सभी स्टूडेंट बहुत ही खुश होते हैं। और अब घर के अंदर लाना बैठी होती है तभी फोन बजता है और वह फोन को उठाती है तो उसके अंदर कोई भी नहीं बोलता है। और अब लाना वह अगले दिन वह स्कूल के अंदर जाती है तो वहाँ पर वह देखती है कि वह बेनी पहले से ही क्लास के अंदर अकेला बैठा हुआ है। उसे देखकर वह डर जाती है और वह रिसेप्शन के पास जाती है और वहाँ पर उसे कहती है कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। और अब घर जाने के बाद उसका हस्बैंड उसे कहता है कि आज का दिन कैसा रहा। लाना कहती है कि आज पूरा दिन मैंने पढ़ाया ही है, यानी कि इसने झूठ बोला। अगले दिन भी वह लास्ता को स्कूल छोड़ने के बाद वह स्कूल के अंदर नहीं जाती और वह नदी के किनारे बैठकर वहां पर एप्पल खाने लगती है। इसके बाद वह म्यूजियम के अंदर चली जाती है जहां पर वह कई सारी फोटो होती है उसे वह देख रही होती है। लेकिन अचानक से वहां पर बेनी दिख जाता है और वह उसे देखकर वह घबरा जाती है, इसलिए वह भागकर वह लिफ्ट के अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही वह बेनी खड़ा था। बेनी कहता है कि वह उसे मिस कर रहा था इसलिए वह स्कूल जाना चाहता था। और अब बेनी वह आगे जाकर उसका वह प्रेस छूता है, लेकिन यहाँ पर वह लाना भी आउट कंट्रोल हो जाती है और उसे दो बार किस करने के लिए उसे छूती है। लेकिन बेनी उसे रुका देता है और उसे किस भी नहीं करने देता और उसकी उंगलियों को उसके शरीर के ऊपर घुमाता है। और अब उसी रात लाना को बुरे बुरे सपने आते हैं। उसे लग रहा है कि उसकी फैमिली से वो दूर हो गई है, इसी के कारण वो जाग जाती है। और अब अगले दिन वह प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर वह छुपके से चली जाती है जहाँ पर वह एग्जाम पेपर को वो चुरा लेती है। और अब सभी स्टूडेंट वह लंच के लिए बाहर आते हैं तभी वह बेनी को फंसाने के लिए वह पेपर वह उसके कोट के अंदर रख देती है। और अब अगले दिन वह लाना किसी टीचर के साथ वह बैठकर बातें कर रही होती है तभी वह देखती है कि दो सिक्योरिटी वाले वह बेनी को कहीं ले जा रहे थे। और अब एग्जाम पेपर चुराने के जुर्म में बेनी को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। उसे जाने के बाद वह लाना उसे मिस कर रही होती है और उसे बिताए पल वह सभी याद करती है। और अब एक दिन वह लाना और लासा वह बुक स्टोर के अंदर जाते हैं। लासा को अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए उसे टॉय खरीदना था, लेकिन वहां जाकर वह लासा वह कपड़े से बने गिफ्ट को लेने के लिए उसे जिद कर रही थी, लेकिन लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर के बाद वह देखती है कि लासा कहीं गायब हो जाती है। और यहाँ पर वह लाना एक घंटे तक वह लासा को ढूंढती रहती है, लेकिन यहाँ पर वह नहीं मिलती, इसलिए वह सिक्योरिटी के पास जाती है और वह कैमरे के अंदर देखती है जहाँ पर वह लासा इधर उधर घूम रही थी। लेकिन वहाँ पर वह बेनी भी होता है और वह लासा को बाहर जाते हुए देखती है, इसलिए वह डर जाती है। तभी उसे उसके हस्बैंड वार्ड का फोन आता है और वह कहता है कि लासा उसके साथ घर पे है। इसे सुनकर वह लाना बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर वह सिक्योरिटी को सॉरी बोलकर वहाँ से वह अपने घर चली जाती है। और अब उसी रात वह अपने परिवार के साथ सो रही होती है तभी उसे दरवाजे के ऊपर दस्तक सुनाई देती है, लेकिन यह उसका भ्रम था। वह बाहर जाकर वह देखती है तो वहाँ पर उसकी आवाज़ होती है वह बंद हो जाती है। और अब वह दरवाजे को लॉक करती है और वह फील करती है कि वह अपने हस्बैंड के साथ वह एंटीमेट हो रही है। ऐसा ही रात बीती जाती है और अब सुबह उसका हस्बैंड आता है तो उसका सपना टूट जाता है। और यहाँ पर वह लाना और उसका हस्बैंड दोनों हग करते हैं। और अब इसके बाद वह लाना बेनी के घर पहुँचती है। थोड़ी देर वह उसके घर से वह दूर उसका इंतज़ार करती है। जब वह बेनी स्कूटी पर वह जा रहा होता है तभी उसका वह पीछा करती है और वह सुनसान जगह पर पहुँचती है और वहाँ पर वह दूर से वह अपनी कार की जो स्पीड होती है उसे बढ़ा देती है और वह अपनी कार से उसे टक्कर मार कर उसके स्कूटर को गिरा देती है। और वह थोड़ी देर के बाद वह कार से बाहर निकलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। और यहाँ पर यह मूवी की एंडिंग होती है।
अगर आप सभी को मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।